अस्सलाम वालेकुम सबास बिस क्लासेस में आज हम इंशाल्लाह शादियों वाला सूखा चिकन और ड्राई फ्रूट राइस बनाएंगे जो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो खाने वाले आपकी कुकिंग के फ़ैन हो जाएंगे और आपको इसे बार 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 बनाना पड़ेगा। तो चलिए अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए हम सबसे पहले दो कटी हुई प्याज को फ्राई कर लेंगे। एक पैन में तेल गरम कीजिए और कटी हुई प्याज को फ्राई कर लीजिए। हमें इसे बस बिरयानी की प्याज की तरह ही थोड़ा सा क्रिस्पी फ्राई कर लेना है, बहुत क्रिस्पी नहीं, बस हल्का सा भी होगा तो चलेगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, एक दूसरे पैन में पाव कप खोपरा यानी पाव कप से थोड़ा सा ज़्यादा खोपरा हम भून लेंगे, यानी सूखा नारियल। भूनते वक्त आप उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए ताकि ये अच्छी तरह से भुना जाए। इसे अच्छी तरह से भून लीजिए, साथ ही जब ये थोड़ा भुन जाएगा तब आप इसमें 2 टेबलस्पून खशश डालिए और खशश डालकर भी आप इसे भून लीजिए। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 8 से 10 काजू और 8 से 10 बादाम और इन सभी को मिलाकर हम अच्छी तरह से भून लेंगे। फिर ठंडा करने के बाद हम इसे पीस लेंगे। पहले सूखा पीसिए और फिर पानी डालकर इसका पेस्ट बना लीजिए। यहाँ पर देखिए हमने 1 किलो चिकन रखा है। 1 किलो चिकन को अच्छी तरह से धो लीजिए। यहाँ 10 से 12 हरी मिर्चें हैं और ये 2 से 2.5 टेबल स्पून हरा धनिया है। इन दोनों को मिलाकर पीस लीजिए। अब हम मसाला बनाएंगे तो उसके लिए हम 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और हम लेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून तंदूरी चिकन मसाला लेंगे और 1 टीस्पून नमक हम इसमें ऐड करेंगे और 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर लेंगे और फिर जो पिसा हुआ मसाला था वो आप ले लीजिए और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और हरे धनिए का पेस्ट। और अब डालिए इसमें चिकन जो हमने लिया है, ठीक है, यानी चिकन हमने जो धोकर रखा था वो डालिए उसमें। उस पर आप डाल दीजिए 2 टेबलस्पून विनेगर, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस ऐड कीजिए और 2 टीस्पून डार्क सोया सॉस डाल दीजिए। अब इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ठीक है। हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आप चाहें तो इसे कुछ देर इसी तरह से पड़ा रहने दें ताकि मसाले अच्छी तरह से चिकन में एब्जॉर्ब हों। 1 टीस्पून गरम मसाला हमने ऐड किया। गरम मसाला डालने के बाद आप इसमें 1/2 कप तली हुई प्याज का तेल डाल दीजिए। हम यहाँ पर तेल कम डाल रहे हैं। अब देखिए मैं आगे क्या करती हूँ। तो देखिए हमने इसे पैन में रखा यानी पैन में डाला और अब हम इसे कुक कर रहे हैं क्योंकि हमने इसमें ऑयल वगैरह सभी मसाले डाल दिए हैं। और अब इसमें ऐड कीजिए 3 टेबलस्पून दही। 3 टेबलस्पून दही ऐड कीजिए और इसे आप अच्छी तरह से मिक्स करते हुए पका लीजिए। आप चाहें तो ढाक कर दम पर धीमी आंच पर भी इसे पका सकते हैं तो ये मसाले भी पक जाएंगे और ये चिकन भी अच्छी तरह से कुक हो जाएगा। तो आपने इसे जब चिकन गल जाएगा तब आप इसे हाई फ्लेम पर भून लीजिए और भूनते वक्त आप इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर ऐड कर दीजिए। देखिए अच्छी तरह से आप इसे भूनिए जब तक कि साइड से थोड़ा सा तेल नहीं छूटता। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून दूध की मलाई। आप चाहें तो फ्रेश क्रीम भी ऐड कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ दूध की मलाई डाल रही हूँ। अब इसे आप अच्छी तरह से भून कर निकाल लीजिए। अब हमने एक दूसरे पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल गरम करना है। उसमें 1 से 1.5 टेबलस्पून लहसुन डालकर फ्राई कर लेना है। 1 टेबलस्पून हमने कटा हुआ लहसुन डालकर फ्राई करना है। उसके बाद हम इसमें बटर डालेंगे 2 टेबलस्पून। 2 टेबलस्पून बटर डालिए। फिर उसके बाद इसमें 8 से 10 करी पत्ते डालिए। इन्हें आप मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए। सारी चीज़ें हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेनी है। देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से फ्राई हो गई हैं। अब हम इसमें ये पका हुआ चिकन इसमें ऐड कर देंगे। आप चाहें अगर आप तेज़ खाते हैं थोड़ा सा तो आप हरी मिर्चें भी इसमें डाल सकते हैं लेकिन इसमें काफ़ी मिर्चें हैं इसीलिए मैंने नहीं डाला। अब इसमें चिकन डालकर कुछ देर पकाइए और ऊपर से नींबू का रस डालिए और नींबू का रस डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। इस तरह से बघार करने से ये चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। यकीन कीजिए आपको ये इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मिक्स किया। अब ऊपर से बहुत सारा हरा धनिया और थोड़ा सा पुदीना डाल दीजिए। थोड़ा पुदीना और बहुत सारा हरा धनिया इस तरह डालिए, यानी आपने 1 मुट्ठी हरा धनिया और आधी मुट्ठी पुदीना डालना है कट करके। और देखिए हमारा ये ज़बरदस्त सूखा चिकन तैयार है। आप इसे रोटी, रुमाली रोटी या फिर शीरमाल
पराठा किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, बहुत ही शानदार लगता है। अगर आप घर में बना रहे हैं तो दाल चावल के साथ साइड डिश के तौर पर भी आप इसे बना सकते हैं। एक बेहतरीन सी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगी। आई होप कि ये मेरी रेसिपी पसंद आ रही है आपको। अब देखिए, अब हम इसके साथ ड्राई फ्रूट राइस बना रहे हैं। तो ड्राई फ्रूट राइस बनाने के लिए हम 1/4 कप तेल गरम करेंगे और उसमें एक प्याज डालकर फ्राई करेंगे। देखिए, प्याज को हमने अच्छी तरह से फ्राई करना है, और जब प्याज फ्राई हो जाएगी तो आधी प्याज निकाल लीजिए। प्याज निकाल कर आप इसमें हम ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट। अदरक लहसुन पेस्ट को भी आप अच्छी तरह से फ्राई कीजिए, और फिर उसके बाद ऐड कीजिए 5 हरी इलायची। हरी इलायची को खोल कर डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद 2 इंच की दालचीनी का टुकड़ा और 6 से 7 लौंग हमने इसमें ऐड करने हैं, और सभी चीज़ों को हम फ्राई कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद आप इसमें ऐड कीजिए 3 ग्लास पानी, और उसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च डाल दीजिए साबित, 1 टेबल स्पून शाह ज़ीरा डाल दीजिए, और 1 टेबल स्पून नमक डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद आधे नींबू का रस इसमें ऐड कीजिए, पानी को बॉईल होने दीजिए। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 500 ग्राम बासमती राइस, ठीक है। बासमती राइस आप डालिए और इसे आप अच्छी तरह से पकने दीजिए। ये बासमती चावल को मैंने पहले ही 1 घंटे से भिगो कर रखा था, हमने पहले ही इसमें देखिए ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से पकने दीजिए। और उसके बाद इसमें 1/2 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कीजिए और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए। नमक हमने पहले ही इसमें टेस्ट के हिसाब से डाल दिया था, अगर लगता है तो और डाल सकते हैं आप। 2 टेबल स्पून हरा धनिया और 2 टेबल स्पून पुदीना इसमें ऐड कीजिए, और सभी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स कीजिए, और ऊपर से डाल दीजिए काजू बादाम और किशमिश और तली हुई प्याज, ठीक है। काजू बादाम 8-10 काजू 8-10 बादाम, और ऊपर से देखिए हमने थोड़ा सा ज़ाफ़रानी रंग डालना है, और फिर ढक्कन लगाकर हम इसे 4 से 5 मिनट हाई फ्लेम पर और 10 से 12 मिनट लो फ्लेम पर पका लेंगे, तो ये बेहतरीन से हमारे ड्राई फ्रूट राइस बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, है ना, बहुत ही शानदार से लग रहे हैं देखिए, और खुशबू भी बहुत ही अच्छी है, और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो अब हम इसे सर्व करेंगे इस सूखे चिकन के साथ। दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज़बरदस्त लगता है, आप इसे बनाकर ज़रूर देखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। देखिए मैं इसे सर्व कर रही हूँ, राइस भी बहुत ही परफेक्ट बने हैं, और ये जो चिकन है वो तो बहुत ज़्यादा शानदार है। अब आप इसे रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं, मैं यहाँ राइस के साथ सर्व कर रही हूँ। आई होप कि आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसी लगी। देखिए रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सिर्फ़ 1 बार सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इंशाल्लाह फिर मिलती हूँ एक नई और यूज़फुल रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग सबास बिस्क क्लासेस।